साहिबगंज समाहरणालय स्थित सभागार में त्रिस्तरीय आम निर्वाचन 2022 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी से उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि प्रथम चरण के नाम निर्देशन हेतु प्रपत्र 5 का प्रशासन 16 अप्रैल 2022 को जारी कर दिया गया है। प्रथम चरण के मतदान हेतु 18 अप्रैल 2022 से 23 अप्रैल 2022 तक नाम निर्देशन प्रत्याशियों के द्वारा किया जा सकता है। तो पंचायत चुनाव का पहला जो फेज है उसका नोटिफिकेशन आज हम करने जा रहे हैं, जो कि पंचायत चुनाव निर्वाचन नियमावली के प्रपत्र 5 के अंतर्गत किया जाए, जिसमें उस प्रादेशिक क्षेत्र का नाम, कितने उसमें पद हैं, केवल मुखिया है तो पंचायत ग्राम पंचायत का केवल मुखिया, जिला परिषद के किन किन प्रादेशिक क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, वो सब का इसमें ब्यौरा रहता है। साथ ही साथ सभी अभ्यर्थी जो इस चुनाव में भाग लेंगे, वो सभी को कौन उनका आरोह होगा, रिटर्निंग ऑफिसर, किस जगह पे नाम निर्देशन वो लोग करेंगे, कहां पर मतदान होगा, सारे मतदान केंद्रों का उनको ब्यौरा दिया जाएगा, मतदाता सूची उन सबको दी जाएगी, और भी बहुत सारे जो उनको हम लोग रिकमेंड करते हैं, जैसा कि उनका आय व्यय का ब्यौरा वगैरह, उनका कुछ शपथ पत्र भी है, वो सब इस प्रपत्र 5 में हम लोग सारा डिक्लेयर करते हैं कि हमको क्या क्या चाहिए। साथ ही साथ मतगणना कहाँ होगी, किस प्लेस पे होगी, किस पंचायत की मतगणना कहाँ होगी, इस प्रखंड के पंचायत समिति का कहाँ होगा, वो सब इस प्रपत्र 5 में हम लोग डिक्लेयर करते हैं, समय और स्थान के साथ। तो आज प्रथम चरण का प्रकाशन हम लोग करेंगे। कल क्योंकि संडे है, छुट्टी है, हॉलीडे है, कल नॉमिनेशन नहीं किया जाएगा। 18 तारीख से सुबह 11 से 3 का टाइम है जिसमें कि नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे। उसी में जो प्रपत्र लिए जाने हैं, जिनको जिन अभ्यर्थियों को अपना प्रपत्र भरना है, वो आरओ के ऑफिस से जाके ले सकते हैं। उसमें शुल्क भी रखा गया है। सदस्य के लिए अगर किसी को अभ्यर्थी बनना है तो उसको सामान्य अगर जाति के हैं तो 500 रुपये देने हैं, महिला हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वो सबके लिए 250 रुपये। अगर किसी अभ्यर्थी को मुखिया पद पे अपना नॉमिनेशन का फाइल करना है तो सामान्य के लिए 250 है, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 125 रुपये है। पंचायत समिति सदस्य के लिए सामान्य वर्ग के अगर कोई है कैंडिडेट तो उनको 250 रुपये देना है, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 125 रुपये। ग्राम पंचायत सदस्य जो सबसे लोअर श्रेणी में आता है, सामान्य वर्ग के लिए 100 रुपया और महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 50 रुपया का नाजिज रसीद अथवा डिमांड उनको देना है, क्योंकि ज्यादातर नॉमिनेशन ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और मुखिया के लिए होने हैं, तो ये ब्लॉक लेवल पे होता है। तो हमने इसमें ज्यादातर लोगों को कहा है कि आप नाजी रसीद वहीं कटा लें, क्योंकि वहीं पे ही आपको प्रपत्र खरीदना है और वहीं पे आपको भर के जमा करना है।